हरिओम। बहुत दिन के बाद या कुछ सालों के बाद हो सकता है मैं YouTube पे आया हूँ और कुछ लेक्चर देने की सोच रहा हूँ। दो तीन साल में, ऑलमोस्ट दो साल में मेरी खुद की कोई प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी, इसके लिए मैं खुद को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया था, मगर अभी मैं सब चीज़ों में से बाहर निकल रहा हूँ। तो कुछ लोगों के लिए करे ऐसे सोच के मैंने आज का ये वीडियो बनाया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते में एटलीस्ट एक या दो वीडियो में ऐसे डालते रहूँ। ये वीडियो, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन ऐसा है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने सब कुछ सिखाया है, वो कोई पेशेंट के बारे में सोचते हैं, कोई पेशेंट के बारे में पूछते हैं, और उनको उनकी चाहत रहती है कि मैं उन्हें कुछ सलाह दूँ, मैं कुछ उन्हें बोलूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर मेरी आदत ये नहीं थी कभी भी, क्योंकि ये जो मेरा 3G एक्यूसाइंस का 10 दिन का जो भी कोर्स मेरा है, जो लोगों ने ऑनलाइन किया है या क्लासरूम कोर्सेज किया है, उनको मैंने सब कुछ सिखाया है कि प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, हर पेशेंट की तरफ कैसे देखना है, और उसी के ऊपर से उसकी जो कंप्लेंट्स है उसी से हमें प्रोटोकॉल कैसे बनाया है। तो ये वीडियो जो आज के बाद में मैं डालूँगा, उसमें मैं हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वो डिसऑर्डर के बारे में अनेक अंगों से देख के मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ज़रूरत नहीं है 10 मिनट 15 मिनट में, मगर मैं आप चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा सुनो, समझ लो, और फिर आपके रेगुलर प्रैक्टिस में या आपके इसमें उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, उसमें भी मैं कोई भी पॉइंट के नंबर्स नहीं देने वाला हूँ। ध्यान में रखो, आपको खुद को काम करना है, मैं रेडीमेड कुछ भी चीज़ नहीं देता हूँ। तो इसलिए मैं शायद नंबर्स नहीं दूंगा, नंबर दूंगा भी, मगर आपको एक गाइडेंस दूंगा कि पेशेंट की तरफ कैसे देखना है। तो आज का जो टॉपिक है, जो मेरा एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे एक मैसेज डाला था एक दो दिन पहले, तो उनको तो मैं उनके साथ बात करके तो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, मगर मैंने सोचा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे YouTube स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल मेरे कोर्स नहीं किया है, मगर YouTube पे मेरे वीडियो, उनको भी मैं कुछ सिखाऊँ, कुछ समझाऊँ। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिनको भी ये सब बातें समझ के लेनी है, उन्होंने मेरा 3G एक्यूसाइंस का जो कोर्स है ऑनलाइन ऑफलाइन वो किया रहेगा, तो उनको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और समझो, उन्होंने नहीं किया है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो ऑनलाइन कोर्स कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको उसके बारे में आगे चल के गाइडेंस दूंगा। तो आज का जो विषय है वो ऐसे है कि एक मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर आई गॉट स्टक, अटक गए। कहाँ अटक गए? वन लेडीज वॉइस इज ग्रेजुअली गॉन इन 2 years एंड नाउ ओनली फ्यू वर्ड्स वी कैन हर्ड। इसका मतलब क्या है कि उनका वो जो एक लेडी है, उनकी आवाज़ पिछले 2 साल में आस्ते आस्ते निकलती जा रही है, कमती होती गई, हाँ, और अभी ऐसी कंडीशन आई है कि सामने वाला, वो कुछ भी बोलती होगी तो भी सामने वाला उसे कुछ सुन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, कुछ वर्ड्स ही उसमें से आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो हो गई, वॉइस की प्रॉब्लम है। अच्छा, और उनका और एक उनका अच्छा एक फाइंडिंग नोट उन्होंने दिए कि शी इज़ ए टीचर, वो खुद टीचर है। तो अभी इन सब चीज़ों को एक ही साथ में मैं कैसे देखूंगा, ये पेशेंट समझो मेरे पास कोई आया होगा तो मैं उसकी तरफ कैसे देखूंगा। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो पहले हमें समझ के लेना चाहिए कि वो पेशेंट किसके लिए आया है। तो हमारे पास ये जो पेशेंट है, जो लेडी है, और इसका उम्र नहीं बताइए, मगर हम लोग मानते हैं कि 50-55 साल की उम्र रहेगी उसकी,
तो उसकी आवाज आस्ते आस्ते बंद हो गई। बंद हो गई मतलब वो बोल सकती है मगर आपको सुनने नहीं आता है। अभी हमें ऐसे कंडीशन में जो मेरा नॉर्मली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैंने एक हाईफाई डेटा शीट करके बना के दी है। मतलब क्या है कि उसमें आप डेटा डालते जाओ तो आपको प्रोटोकॉल बिंदास मिल जाता है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए यानी कोई भी पेशेंट की तरफ समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि यदि कोई डॉक्टर के पास से हमारे पास पेशेंट आया मेडिकल डॉक्टर के पास से, तो मेडिकल डॉक्टर ने किया हुआ जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस हमें समझ के लेना है। और वो डायग्नोसिस समझ के लेने के लिए हमें गूगल की मदद हम ले सकते हैं। अभी फिलहाल इस बात में ये केस में तो उन्होंने कुछ डायग्नोसिस नहीं बताया है मेडिकल डायग्नोसिस, तो हम लोग सीधा आगे जाएंगे। उनका पेशेंट का नाम भी नहीं है। अच्छा, जब भी हमें किसी भी पेशेंट को एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करनी है तो हमें प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। बहुत सारे बुक्स में यानी सभी बुक्स में प्रोटोकॉल दिए हुए रहते हैं और वो एक हेडिंग के ऊपर रहते हैं, मगर सब चीज़ें जो आपके सामने पेशेंट है उसकी सभी चीज़ें उसमें नहीं आ सकती है। आपको समझ के लेना है और प्रोटोकॉल उसमें से बनाना है। तो इसके लिए रेडीमेड प्रोटोकॉल के लिए आप जाना नहीं है किसको भी। मैं तो हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी भी रेडीमेड प्रोटोकॉल्स के पीछे आप जाओ मत, मगर एक रेडीमेड एक प्रोटोकॉल अपना बनाओ जो वो पेशेंट को पूरा कवर कर ले। तो अभी ये पेशेंट कोई भी ट्रीटमेंट हमें करनी है, एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट करनी है, तो सबसे पहली बात है जो मैं पहले दिन से मेरे लेक्चर्स में एम्फसाइज करता हूँ कि ये जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट हम लोग करने वाले हैं तो वो क्या काम करती है। ना हम दवाई देते हैं ना कुछ करते हैं, सिर्फ सुई लगाते हैं या दबाते हैं या और कुछ तरीके से उसको करते हैं, तो क्या एग्जैक्टली होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ची है जिसको हम लोग हिंदी में संस्कृत में प्राण बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, वो जो प्राण शक्ति शरीर में जो घूमती रहती है वो हमारे शरीर की मालिक है। वो हमारे शरीर की मालिक है और वो मालिक यदि हर जगह में नहीं पहुँचे, हर ऑर्गन तक मऊ नहीं पहुँचे, तो वहाँ कुछ डिसऑर्डर हो सकती है। तो इसके लिए ऐसी जब भी कंडीशन है और हमें मालूम है कि ये ऐसी कंडीशन है तो हमें अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मेरी हमेशा रहती है, हो सके तो, जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मगर हो सके तो वो जहाँ की तकलीफ है वहाँ के लोकल पॉइंट्स ले लो। अभी इनकी तकलीफ क्या है, इनकी तकलीफ है आवाज़ गले से आती नहीं है, बाहर सुनने नहीं आती है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ये जो ऑर्गन है यानी ये जो हमारी शरीर की ये पार्ट है जो थ्रोट जिसको बोलते हैं, वो थ्रोट के जो लोकल पॉइंट्स है वो आपको लेने हैं। अभी थ्रोट के लोकल पॉइंट्स लेने के लिए आपको हर एक मेरिडियन वहाँ से जाने वाली मेरिडियन के ऊपर के पॉइंट्स कौन से हो देखने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे बोलो, या आपको समझने पड़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से ऐसे है कि यहाँ से सामने से जाने वाली जो दो मेरिडियन से जो हमारे वॉइस बॉक्स के ऊपर काम करती है उसमें से एक मेरिडियन है रेल मेरिडियन जो मिडिल सेंट्रल लाइन से जाती है और दूसरे उसके बाजू से जाने वाली स्टमक मेरिडियन। तो हमें हो सके तो यहाँ के ये मेरिडियन के यानी रेल मेरिडियन के और स्टमक मेरिडियन के लोकल पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक के लोकल पॉइंट्स में से कोई पॉइंट्स हमें चुनने पड़ेंगे। पॉइंट्स के नंबर्स मैं नहीं बोलूँगा, मगर ये पॉइंट चुनते समय आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि यदि ये पॉइंट डेंजरस है या नहीं। डेंजरस पॉइंट जो भी एक्यूपंक्चर में काम कर रहे हैं जिन्होंने भी एग्जाम दी है, एलिजिबिलिटी टेस्ट पास की है और जो सही तरीके से सीखे हैं उनको मालूम रहेगा कि यहाँ के कौन से पॉइंट डेंजरस है और वहाँ क्या करना है। आपको आपके दिमाग लगा के सोच के काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हो नहीं हो जाए कि आप करने गए एक और उसको रिजल्ट मिला भलता ही। तो सोच समझ के काम करना है। तो सबसे पहला है हमें यहाँ के जो लोकल पॉइंट्स है यानी दो चार यहाँ के पॉइंट दे दो, क्योंकि वहाँ सुई लगाने से, वहाँ प्रेशर देने से और वहाँ कुछ ट्रीटमेंट देने से वहाँ की अटकी हुई ची, अटकी हुई एनर्जी, अटकी हुई प्राण शक्ति खुल जाए और जब ही वो खुलने लगेगी और खुलती रहेगी
और वो खुलती रहेगी, वैसे उनको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। ओके, तो यहाँ के हमें लोकल पॉइंट्स लेने हैं, दैट इज फर्स्ट थिंग। एक्यूमंचर का जो मैं लोगों को सिखाता हूँ प्रोटोकॉल बनाने का, उसका दूसरे स्टेप में आता है कि ये एरिया में काम करने वाला डिस्टल पॉइंट कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में 6 डिस्टल पॉइंट्स है जो बॉडी के एक एक पार्ट के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे यानी जो थ्रोट है, चेस्ट के ऊपर का सर का हिस्सा है, उसके ऊपर काम करने वाला जो भी लोकल डिस्टल पॉइंट है, यानी दूर से काम करने वाला जो पॉइंट है, उसको आपको प्रोटोकॉल में इंक्लूड करना है। मतलब क्या हो गया, जब भी आप प्रोटोकॉल बनाने जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो पहले आप लिखेंगे रेन मेरिडियन के एक दो पॉइंट लिखेंगे, स्टमक मेरिडियन के एक दो पॉइंट लिखेंगे, और उसके बाद में आप लिखेंगे ये एरिया के ऊपर काम करने वाला डिस्टल पॉइंट जो है उसका नंबर याद करेंगे। अभी ये पॉइंट जो आपको लेने हैं वो आप दोनों साइड में भी ले सकते हैं, किसी भी साइड में ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट बात जो आती है वो ऐसे है कि आपको प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए उसका, तो हमें 4-5 पॉइंट्स तो मिल गए, हमें प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए मैं जो लोगों को कहता हूँ कि आप वहाँ से जाने वाली जो भी मेरिडियंस है, वो मेरिडियंस को 3G रूल में डाल के उसके पॉइंट्स यूज करो। अभी ये जो 3G रूल में डालना है और क्या करना है ये तो मैं यहाँ नहीं समझा सकता हूँ, वो मेरे कोर्स में आ जाता है, मगर 3G रूल में डालेंगे तो आपको ये मेरिडियन एक्टिवेट करने का बहुत आसान तरीका मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको कैसे है, ये एरिया को दूर से एक्टिवेट करेंगे। समझो, मतलब समझो कि यहाँ से जाने वाली जो मेरिडियन, बोल ही देता हूँ मैं, यहाँ से जाने वाली जो स्टमक मेरिडियन है, बाजू से, दोनों बाजू से जाती है, उसका सबसे दूर का जो पॉइंट है, यानी स्टमक मेरिडियन का पाँव के उंगली के ऊपर का जो पॉइंट है या पाँव के वेब में जो पॉइंट है, वो पॉइंट को आप एक्टिवेट करेंगे तो ये मेरिडियन यहाँ की पूरी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये हो गया उसका दूसरे और दो पॉइंट आ गया। उसके बाद में हमें और एक बात समझनी है, यानी मैं समझा के लूँगा कैसे, कि कोई भी आदमी बात करता है, यानी बोलने की जो समस्या है, वो बोलने की समस्या मुंह से आवाज़ निकलना जो है वो कैसे होता है, मुंह से आवाज़ निकलना और सामने वाली आदमी को वो सुनाई देना, इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत रहती है लंग में से ब्रीद आउट करने की, यानी हमारे लंग में से, फेफड़ों में से हवा बाहर निकलनी चाहिए। किसी कारण से किसी की ये लंग्स की ताकत कमती हो गई है तो वो उसकी आवाज़ नहीं आएगी बाहर, आवाज़ खुल के नहीं आएगी। और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लंग की ताकत बढ़ाने के लिए आपको लंग मेरिडियन तो है ही हमारे पास, आप लोगों को पता रहेगा, और लंग मेरिडियन जो है वो लंग मेरिडियन के हमें पॉइंट्स लेने हैं, जिससे लंग मेरिडियन एक्टिवेट हो जाएगी, लंग एक्टिवेट हो जाएगा और उससे वो अंदर से हवा ज़्यादा एक्सपेल करती जाएगी, और जैसे ही हवा बाहर निकलती जाएगी वैसे ही आवाज़ सुनने देगी। तो हमें लंग मेरिडियन के 3 पॉइंट्स लेने हैं, जिसको मैं बोलता हूँ 3 गोल्डन पॉइंट्स। जिनको ये पॉइंट्स सीखने हैं वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन कोर्स है, और मुझे मैसेज डाले तो मैं आपको आगे गाइड कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद में तीसरी बात आ गई कि ये जो हमारा हवा तो निकल गई, समझो यहाँ से हवा तो निकल गई, मगर हवा को ठीक तरीके से मोल्ड करने के लिए, हवा को ठीक तरीके से आवाज़ है ना, वो आवाज़ स्वर यंत्र जो है, यानी वॉइस बॉक्स है, उसके जो मसल्स हैं वो ठीक से काम करते हैं, और ये वो यदि ठीक से काम नहीं करेंगे तो भी यही गड़बड़ हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के मसल्स को ठीक से काम में लगाने के लिए, एक तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्टल पॉइंट तो ले ही लिए है, यहाँ के लोकल पॉइंट भी लिए है, मगर हमें मसल्स के ऊपर काम करने वाला इन्फ्लुएंशियल पॉइंट लेना है। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स है, जो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट 8 अलग अलग सिस्टम के ऊपर काम करती है,
तो मसल मस्क्यूलर सिस्टम पे काम करने वाला जो इनिशियल इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो आपको ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना है। तो आप अभी आपके जो बुक्स है वहाँ से ढूंढो, मैं आपको काम में लगाने वाला हूँ, मैं रेडीमेड नहीं दूंगा, आपको गाइडेंस दूंगा, आपको दिशा दिखाऊंगा और आपको आगे लिखना है तो वो कौन सा पॉइंट है वो आप वहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद में और एक आगे की बात आती है कि यहाँ से हवा निकलने लगी, यहाँ से भी पास हो गई, मगर एक्चुअल वर्ड्स जो बाहर निकलते हैं वो किस क्यों ठीक से बाहर निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारे होठ और हमारी टंग, ये अंदर की जो हमारी टंग है, ये टंग आप देखो हर अल्फाबेट को प्रोनाउंस करने के लिए ये टंग का टिप अलग अलग जगह में लगता चिपकता है। जैसे कि हमारे हिंदी में या संस्कृत में या मराठी में या इंडियन लैंग्वेज में बारा खड़ी करके रहती है, यानी क की बारा खड़ी, मतलब क का की कु कु के कई को कम का। अभी क के बारा खड़ी आप बोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क में सबसे ज्यादा होठों की है। तभी होठों को ठीक करने के लिए फिर से वही बात आ गई, उसके नजदीक वाले पॉइंट लेने हैं। कौन से पॉइंट नहीं वो आप देखो, आप डायग्राम्स देखो, मेरिडियन के डायग्राम देखो और वहां के पॉइंट्स लगाओ, तो होठों की बात हुई। अच्छा, अभी इसी के साथ में ये जो टंग है अंदर के अंदर से चलने वाली या अंदर घूमने वाली, वो टंग कहां से आती है? वो टंग को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूपंक्चर, वो ये जो टंग है दैट इज रिलेटेड टू फायर एलिमेंट, दैट इज रिलेटेड टू फायर एलिमेंट। और फायर एलिमेंट की जो मेरिडियंस है उसमें के कौन सी मेरिडियंस है? हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ये जो दो यिन मेरिडियंस है उसी के ऊपर के तीन तीन गोल्डन पॉइंट्स जो है वो तीन गोल्डन पॉइंट्स आपको लेने हैं। तो ये ऐसे करेंगे आप तो आपका प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। मगर ये तो बात हो गई एक्यूपंक्चर की, तो आप ये सब सोचो करके देखो। तो प्रोटोकॉल बनाना मतलब नहीं है, ऐसे नहीं है कि यहाँ के दो पॉइंट वहाँ के दो पॉइंट ले लो, पूरी सोच होनी चाहिए कि वो तकलीफ क्या है उसके लिए। मगर इसी के साथ में और एक बात आ जाती है कि ये तो सब कुछ ठीक से चल रहा है हाँ, मगर उस लेडी को या वो जो भी कोई आदमी है उसको बोलने की इच्छा ही नहीं है। किसी कारण से वो उसने खुद को अंदर के अंदर ही सिकुड़ लिया है, उसको बोलना नहीं चाहता है, वो अपने आप में रहना चाहता है, या ऐसे बोलो कि उसको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ही नहीं है। मन से कम्युनिकेट करना है ना तो आवाज जोर से आती है, जैसे मेरी आवाज है, मगर जिसको कम्युनिकेट करना नहीं है वो मन ही मन में बोलेगा, शायद बोलेगा और कुछ लफ्ज दो चार लफ्ज थोड़े से हल्के से बाहर आ जाएंगे जो किसको समझ में नहीं आएंगे। तो उसे हमें समझ के लेना है कि ये क्यों क्या कारण है, ये दो साल पहले उसकी आवाज आस्ते आस्ते कमती होने के पीछे उसके जीवन में ऐसे क्या गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से वो आस्ते आस्ते सिकुड़ने लग गई, वो चाहती है कि मुझे नहीं बोलना है। तो उसके लिए फ्लावर रेमेडीज की जो मेडिसिन है वो फ्लावर रेमेडीज की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। यदि वो अंदर का अंदर रहना चाहती है, इंट्रोवर्ट हो गई, एक्सप्रेस नहीं करना चाहती है, लोगों के साथ बात करना नहीं चाहती है, या अंदर से मन से है, तो वो फ्लावर रेमेडीज की मेडिसिन है जिसका नाम मैं बोलूँ वाटर वॉलेट नाम की इसकी मेडिसिन है, रेमेडी है, तो वो है। मेरा फ्लावर रेमेडीज का भी एक ऑनलाइन कोर्स है, जो चाहिए तो आप कर सकते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद में ये फ्लावर रेमेडी, ये तो हो गई बात, उसको इच्छा नहीं है तो हम लोगों ने इच्छा प्रकट, उसकी इच्छा करने के लिए हम लोगों ने कुछ किया है, तो इसी तरीके से हम लोग सोचेंगे। और कुछ मेरे मन में आया था अभी भूल गया मैं बातों में कि ये फ्लावर रेमेडीज और कहाँ से काम करेगी। ओके, और एक बात हो सकती है इसी के साथ में कि उसके शरीर में ही ताकत नहीं है कुछ कारण से, अंदर में ही ताकत नहीं है, तो वो अंदर की ताकत लानी है उसको तो हमें एक्यूपंक्चर का रेंज 6 पॉइंट यूज करना चाहिए,
मुंह से निकल जाता है पॉइंट, नहीं बोलूं तो भी बोले जाते हैं क्योंकि वो मन अंदर से आ जाती है। रेन 6 पॉइंट है, इसको बोलते हैं सी ऑफ एनर्जी, उसको बोलते हैं सी ऑफ एनर्जी। और ये सी ऑफ एनर्जी का जो पॉइंट है वो पॉइंट लगाएंगे तो ताकत बढ़ेगी, अंदर से ताकत बढ़ेगी तो हवा ज़्यादा निकलेगी, उसी के साथ में लंग्स काम करने लगेगी, थ्रोट काम करने लगेगा और ये सब बाहर आके वो औरत बोलने लगेगी। ऐसे बहुत सारा है, मगर ज़रूरत नहीं है कि हर ट्रीटमेंट मैजिक रिजल्ट देती है, उसको बोलना ही नहीं है तो बोलना नहीं है, उसके कारण हमें समझा के लेने पड़ेंगे। उसके घर में क्या हो गया, उसके आजू बाजू में क्या हो गया, वो कौन से मेंटल कंडीशन में से जा रही है, तो इसी तरीके से हमें एक पेशेंट की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। और ये जानकारी पहले दिन नहीं आती है, उसको कुछ दिन में उसके साथ बातचीत करते करते ही एक एक बात समझ में आती है। मगर आज का जो वीडियो मैंने बनाया उसका एक ही इम्पोर्टेंट कारण, एक ही रीज़न है, उसका एक ही कारण है कि प्रोटोकॉल कैसे बनाना इस बारे में। और ये ऐसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालते रहेंगे, मेरे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे कि उनको कोई किसी तकलीफ में उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो मैं इसी तरीके से समझाते जाऊंगा। जिनको कोर्सेस करने हैं मुझे मेरा नंबर आ ही रहा है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। और जिनको आके सीखना है वो तो आगे के कुछ कारण से, घर के कुछ कारण है, उसके लिए मैं 2-3 महीने कोर्सेज नहीं लेने वाला हूँ, मगर जुलाई से फिर से कोर्सेज चालू हो जाएंगे, तभी क्लासरूम कोर्सेस आप आके कर सकते हैं। तो अभी आज्ञा दीजिए, हरिओम। जो मैंने सिखाया, जो मैंने बताया, वो आप ढूंढो उसके पॉइंट्स और प्रोटोकॉल बनाओ और ऐसी तरीके से हर एक केस का प्रोटोकॉल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये प्रोटोकॉल आपका आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा ही देगा। सिर्फ एक ही बात है, आप हरिओम बोलो, मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, वो ईश्वर के चरण में अर्पण करो। हम लोग उसके एक मार्ग है, हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी की इच्छा थी इसलिए आप काम कर रहे हैं, ये एक्यूपंक्चर का काम कर रहे हैं, और वही परमात्मा की इच्छा थी इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अभी यहाँ पे रुकता हूँ, हरिओम।